वही श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब निक्की यादव हत्याकांड ने देश को हिलाकर रख दिया है। हत्याकांड के बाद महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच सियासी जगत के लोग निक्की यादव के घर पर पहुंचकर संवेदनाएं भी प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक सांसद अरविंद शर्मा और झज्जर विधायक गीता भुक्कल निक्की यादव के पैतृक गांव पहुंची और निक्की परिजनों को आपको बता दें कि उन्होंने सांत्वना भी दी है और निक्की को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा भी दिया है। बहुत ही एक ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। तो मानवता की सारी हदें पार करके ऐसी घटना घटी है और इसमें पुलिस बल्कि यहाँ बैठे थे, घर वाले भी और भी गांव वाले भी बैठे थे, वो इस बात से भी हैं कि भाई पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से, दिल्ली पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से अपना काम किया है और आगे एविडेंसेस के लिए पुलिस लगी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका न्याय होगा। बहुत ही एक ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। देखिए बहुत ही दर्दनाक हादसा परिवार के साथ, कह लीजिए बेटी के साथ हुआ है और बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। बच्चियां पढ़ने के लिए गई थी और इस तरह का जो हादसे को अंजाम दिया है। हम ये उम्मीद करते हैं सरकार जो है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी करे और जल्दी से जल्दी जो परिवार की, गांव की या क्षेत्र की एक मांग भी है, ऐसे दरिंदे जो असुरक्षित अपनी बेटियां, हम समझते हैं कि बाहर हैं तो असुरक्षित वातावरण जो बन रहा है, ऐसे दुरंधरों के खिलाफ जो है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी भी चाहिए। अभी हमने बात की है कि क्योंकि अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी एफआईआर और दिल्ली की जो डीसीपी हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर